बसपा नेता और बिजनौर सांसद मलूक नागर ने कहा कि उन्होंने ट्रैक्टरों का मामला संसद में उठाया है। मोरना चीनी मिल विस्तारीकरण के लिए भी वो सदन में लड़ाई लड़ रही हैं। क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर हैं। चुने जाने के बाद से आज तक 213 गांव और 800 मोहल्लों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सांसद निधि में भेदभाव हो रहा है, विधायक और सांसद दोनों को बराबर निधि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें जिताकर उनकी दिवाली मनवाई, आज वे उन लोगों के बीच आकर दिवाली मना रही हैं। सोमवार को शहर के रुड़की रोड स्थित राजयोग बैंक्वेट हॉल में बसपा नेता जियाउर रहमान के तत्वाधान में दिवाली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे सांसद मलूक नागर ने कहा कि पार्टी फिर से बड़ी सियासी ताकत बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें चुनाव जितवाकर उनकी दिवाली मनवाई थी, दिवाली के साथ वे उन्हीं लोगों के साथ ये त्यौहार मनाने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही कहा कि वो हमेशा विकास के पक्षधर रही हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोगों से जो उम्मीद की जाती है वे उन पर खरा नहीं उतर रही। कहा कि वो 23 मई 2023 तक अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी 800 गाँव का दौरा पूरा कर लेंगे। बताया कि कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष तक क्षेत्र में आना जाना कम रहा। मदरसा सर्वे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी को सर्वे में सहयोग करना चाहिए। यदि किसी मदरसे का पंजीकरण नहीं है तो पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने पर वो उसे करा ले। उन्होंने कहा कि सांसद निधि की 1 करोड़ की किश्त आई है, वो गांव गांव जा रही हैं। जहां भी विकास की आवश्यकता होगी वो विकास कराएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बसपा बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। दिलों को जोड़ने के लिए दिवाली मिलन जियाउर रहमान बसपा नेता और दिवाली मिलन कार्यक्रम के संयोजक जियाउर रहमान ने कहा कि दिलों को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आवश्यक है। कहा कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के मीरापुर और पुरकाजी विधानसभा के बसपा कार्यकर्ता और नेता यहाँ एकत्रित हैं। सांसद लूक नागर का स्वागत किया गया है। दिवाली मिलन ने आपसी मोहब्बत और प्यार बढ़ा है। आए मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, दीपावली का दिन है, लोगों से मुलाकात की, क्या कहेंगे इसके बारे में? इन लोगों ने मुझे एक एक वोट देकर मेरी हमेशा के लिए दिवाली मनवाई है, तो मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने नज़दीकी भाई बहनों को छोड़ कर के आज अपनी लोकसभा क्षेत्र में हूँ ताकि मैं इनकी बढ़िया दिवाली मनवा सकूँ। और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके टेलीविज़न के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। उनके परिवार में खुशी रहे, खुशहाली रहे और सब अच्छा अच्छा होता रहे। सांसद जी, जैसे आपको लेकर चर्चाओं में रहे आप काफी, क्योंकि लोगों का कहना था कि विधा अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों के बारे में जो इस तरह के पोस्टर भी लगाए गए? आपको आपके मैं ये तो नहीं कहूँगा पत्रकारों को कि आपको जानकारी नहीं है, आप होमवर्क करके नहीं आते, पर मेरी फेसबुक पे पूरा रिकॉर्ड है। 210 गांवों का सभाएं, जनसभाएं मैंने करी थी 23 मई को, और अभी करीब करीब 500 के करीब मैं गांवों और मोहल्लों में जा चुका हूं, और करीब करीब 800 के करीब केवल गांव हैं। और मैंने अभी डिक्लेयर करा है कि 23 मई 2023 को एक भी गांव और मोहल्ला नहीं छोड़ूंगा। और आप पत्रकार भाई हैं, प्रश्न पूछते ही हैं, 2 साल सांसद जी बंद रही, 2 साल पूरा बैन रहा और मैंने कोई भी नहीं पहुंच पाया अपने में, और मैं तो उस समय में भी आता रहा था और लगातार बीच में आपके आ रहा हूं, और मेरी पार्टी के लोगों को मुझे उम्मीद है आपको सूचना देते होंगे। लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सांसद निधि से कुछ काम नहीं किया जा रहा है क्षेत्र में, ज्यादातर विकास का अधूरा क्षेत्र माना जा रहा है आपका। ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए जिनको बेचारों को नॉलेज नहीं है। अभी सांसद निधि 2 साल से बंद थी, पहली 1 करोड़ की किस्त आई है और दिसंबर में इसकी लिस्ट जारी करेंगे, और जिन जिन गाँव में मैं जा रहा हूँ उन्हीं गाँव में काम कराऊँ जिससे मैं हर गांव गांव में जा सकूं। आपने एक घोषणा भी की कि जिन गांव में आप नहीं जाएंगे उनमें काम नहीं कराएंगे, क्या कारण है? नहीं, जो लोग मुझे बुलाना नहीं चाहते या जो लोग मुझे बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, और उधर सांसद निधि बहुत थोड़ी है उत्तर प्रदेश के विधायक की और देश के सांसद की, और यहाँ भी जो है सरकार उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की है और देश में भी उन्हीं की है, भेदभाव हो रहा है। सांसद की सांसद निधि 5 करोड़ है और विधायक की विधायक निधि 5 करोड़ है, तो ये उस वजह से है बात और उसी वजह से है। आपके क्षेत्र में मोरना सुपर मिल है, बंद होने की कगार पे अगर उसका विस्तारीकरण है?
इसका मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा पहले भी उठाया है। मुझे लगता है पत्रकार भाइयों आप पूरा होमवर्क करते नहीं हो। और पिछले बार 2 अक्टूबर को मीरापुर में मैंने कहा था, वहाँ चंदन चौहान भी थे, कि विधानसभा में वो उठाएगा और देश में दोबारा फिर मैं उठाऊँगा। और संजीव बालियान साहब भी इसको चलवाना चाहते हैं। ट्रैक्टरों को लेकर, जो ट्रैक्टर अब कॉमर्शियल यूज नहीं होगा, ट्रैक्टरों को उस पर क्या क्या सरकार का निर्णय है? देखिए, ट्रैक्टरों पे चाहे कॉमर्शियल यूज से संबंधित है, चाहे नहर और नदियों में रेत निकालने से संबंधित है, चाहे गरीब लोगों के लिए जीएसटी लगी है उनसे संबंधित है, चाहे किसान के इक्विपमेंट पे जीएसटी लग चुका है उससे संबंधित है, इन सब मुद्दों पे पार्लियामेंट में मैं ये चीज़ें उठा चुका हूँ। और आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब सत्तारूढ़ पार्टी के एमपी और मिनिस्टर आए उनसे ठोक करके आपको ये बात पूछनी चाहिए। मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, भारत का सबसे बड़ा मदरसा है वो भी गैर मान्यता प्राप्त पाया गया है दारू में, क्या कहें? देखिए, ये ना तो मुझे ये पता कहाँ का सर्वे हुआ, ना मुझे पता कहाँ का सर्वे नहीं हुआ, लेकिन जो सर्वे करा रहे हैं तो उनको सबको सहयोग देना चाहिए। और जो अनियमितताएँ पाई गई हैं और जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया, और मैं उनको भी कहना चाहूँगा वो भी अपने अपने मदरसों के पंजीकरण कराना चाहिए। 2016 से बंद थे ये तो देखिए, बिल्कुल सरकार के लोगों को आपको पूछना चाहिए। और आप होमवर्क पूरा करके इनके बात का जवाब दें, जब वो आए तो आपको उनसे बात पूछनी जरूर चाहिए। मैं भी पार्लियामेंट में उठाता हूँ इस तरह। 2024 का चुनाव आने वाला है, फिर दोबारा से HM हो गया, माहौल बदल रहा है। देखिए, ये तो अभी किसी से कहा जाए तुम यहाँ से निकल के जा रहे हो, सड़क पर क्या होगा, इस संभावनाओं से संबंधित है। और राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है, आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या संभावनाएं होंगी, किधर को जाएंगे, किधर को कौन जाएगा, किधर को कैसे रहेगा। पर मुझे लगता है कि BSP 2024 के चुनाव में एक शक्ति बन के उभरेगी, ठीक आजमगढ़ की तरह, जिस तरह वहां पे बराबर खड़े थे BJP के और गठबंधन के हम लोग। और हम सारे उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर तरीके से रोज उठ कर के आ रहे हैं, और आने वाले समय में BSP के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, आज दीपावली का पावन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बिजनौर के सांसद जी और हमने उन्हें यहाँ पर काफ़ी दिनों से हम उनसे गुजारिश कर रहे थे कि आप हमारे इस क्षेत्र में आएँ, तो उन्होंने हमें कहा कि जिन लोगों ने मेरी दिवाली 5 साल के लिए बनवा दी थी, मैं आज उन्हीं लोगों के बीच अपनी दिवाली मनाऊंगा। तो हमारी वो गुजारिश उन्होंने मानी और दीपावली मनाने वो यहाँ पर हमारे बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, मीरापुर के कार्यकर्ता, हमारे पुरकाजी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच आकर उन्होंने अपने सहपरिवार सहित दीपावली मनाई। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि उन्होंने हमारे बीच आकर दीपावली मनाई और हमारे उस आग्रह को कबूला। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।